महत्त्वाचा या ठिकाणी अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. तिथल्या शेतकऱ्यांकडे लोकांकडे जो दुर्लक्ष करते हे शोकांतिक आहे. जत तालुक्यातल्या आमच्या लोकांसाठी हा संघर्ष आमचा सातत्याने चालू राहील आणि ह्या सरकारकडनं या जत तालुक्यातल्या लोकांनी लोकांकरता मदत करावी अशी आमची अपेक्षा आहे. सांगली पण बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है. कोल्हापूर दादा नगरी डॅम के अब 4 दरवाजे खुल चुके हैं, 2 बाकी है, उसके बाद पानी ज्यादा बढ़ेगा. क्या प्रशासन की तरफ से तैयारी है, आप वहाँ के विधायक है क्या? देखिए, सांगली जिले में सन 2019 और 21 में बड़ी बाढ़ परिस्थिति आई थी. उसमें काफ़ी नुकसान सांगली के हमारे जिले में हमारे किसान भाइयों को हुआ, खेती का हुआ. लेकिन इस बार मैंने कल ही कलेक्टर से और एसपी से बात की है. मैं रेगुलर हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी संपर्क में हूँ. अभी तक बाढ़ की स्थिति की जो डेंजर जोन है वहाँ से ऊपर पानी गया हुआ नहीं है. लेकिन पूरी प्रशासन और यंत्रणा, हालांकि पिछले 5 साल में 2 बार ऐसी परिस्थिति होने के कारण सतर्क है, वहाँ पे अलर्ट पे मोड़ पे है. और जो कृष्णा नदी के और वारणा नदी के आसपास जो गांव है उनको भी अलर्ट किया गया है. जैसी बाढ़ की परिस्थिति अगर दुर्भाग्य से बढ़ती जाएंगी तो वहाँ से इवैक्यूएशन किया जाएगा. धन्यवाद.